तुम वही हो ना जिसे मूवीज़ में अच्छी स्टोरी देखना पसंद है, वरना कुछ लोग होते हैं जिसको बस मूवीज़ में ओवर द टॉप एक्शन, उसकी बेकार स्टोरी, ये सब के लिए मूवी देखते हैं। तो तुम लोग इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस वही लोग रुको जिसको मूवीज़ में अच्छी स्टोरी देखना पसंद हो। तो तुम्हें बताऊँगा कुछ मूवीज़ के बारे में जिसमें तुम्हें अच्छी स्टोरी देखने मिलेंगी। हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ 2024 की 5 क्वालिटी इंडियन मूवीज़ के बारे में, जिसमें तुम्हें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखने मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आपका कीमती समय बचाकर। नंबर 5, आर्टिकल 370। इसमें तुमको देखने मिलेगा, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें तुमको देखने मिलेगी जूनी हक्सर यानी यामी गौतम का करेक्टर, जो कि खुफिया मिशन से अपने सीनियर से बिना किसी परमिशन के बगैर किसी व्यक्ति की हत्या कर देती है, जिससे कश्मीर में हिंसा फैल जाती है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बढ़िया है, आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके मूवी आप देखो। नंबर 4, कल्कि। इसमें तुमको देखने मिलेगा, एक कहानी विष्णु का एक आधुनिक अवतार, एक हिंदू देवता के बारे में माना जाता है कि वो दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तुमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, लेकिन कभी देखा है, ये तुम्हें देखने मिल जाएगा कल्कि मूवी में, तो देखना मत भूलना। इस मूवी का पहला हाफ तो मुझे ठीक ठाक लगा था, लेकिन इस मूवी का दूसरा हाफ तो बढ़िया था, बहुत ज़्यादा। स्पेशली वो क्लाइमेक्स में जो हमें दिखाया गया था वो तो नेक्स्ट लेवल का था, आपको रिकमेंड करूँगा एक बार जाके मूवी आप देखो। चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की। नंबर 3, मैदान। इसमें तुमको देखने मिलेगा, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दिखाया है सैयद अब्दुल रहीम नामक एक इंसान को, रोल प्ले करा अजय देवगन ने, कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या ही काम करा अजय देवगन ने इस मूवी में, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लग रहा था कि वो रियल है। इस मूवी में क्या ही शॉट्स का यूज करा गया है, स्पेशली वो क्लाइमेक्स में जो वर्ल्ड का एक मैच होता है वो, उसमें क्या ही कैमरा एंगल का यूज करा था, माइंड ब्लोइंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके मूवी आप देखो। मकान की नींव कमजोर है तो छत बदलने से क्या होगा शुभांकर बाबू? शुभांकर बैठ जाइए। नंबर 2, द गॉड लाइफ। इसमें तुमको देखने मिलेगा, ये कहानी एक भारतीय व्यक्ति के बारे में, जो कि काम की तलाश में सऊदी अरब जाता है। वहां जाकर वो एक मुसीबत में फंस जाता है, इसके कारण उसे वहां गुलामी करनी पड़ती है। इस मूवी की कहानी से लेकर इसकी सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, कलाकारों की परफॉर्मेंस, सब कुछ टॉप नॉच है। और एक बात, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके मूवी आप देखो। कर बात कर पाएंगे, रसोई घर को ठीक करना है ताकि पानी ना गिरे, हमारे बेटे को एक अच्छे से। नंबर 1, महाराजा। इसमें तुमको देखने मिलेगा, ये कहानी महाराजा नामक एक इंसान की, का रोल प्ले करा है विजय सेतुपति ने। एक दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने की लक्ष्मी की। लक्ष्मी कौन है? पैसों की बात नहीं हो रही, ना ही सोने चांदी की, बहुत ही करीबी और दिल के टुकड़े की बात हो रही है, कि है कचरे का डिब्बा, उसका नाम है लक्ष्मी। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका काफी ज्यादा बढ़िया है। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जब तुम इस मूवी को देख के खत्म करोगे तुम सोचोगे कि मैंने क्या देख लिया। इस मूवी को गलती से भी मत करना। गलती की है सर, सगे सर से माफी मांग लीजिए सर, सर आपने गलती की है, आपको इससे माफी मांगनी पड़ेगी सर। मैंने इनसे कभी नहीं कहा सर, इन्होंने गलती की है, इनसे बोलिए ना मेरी बेटी से माफी मांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और एक बात, मैंने हॉलीवुड की 5 डरावनी फिल्मों के बारे में बात करी इस चैनल पे, तो जाकर वो वीडियो देख लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे बाकी के वीडियोस देखो और इन्जॉय करो। बाय।